अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। क्या दोस्तों आप आज इस वीडियो में जानना चाहते हैं कि अगर आपको अपने गूगल पे एप्लीकेशन में अगर आपने दो तीन बैंक अकाउंट अगर ऐड कर रखा है और दोस्तों आपको अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो आप उसे कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और दोस्तों आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप हमारे इस वीडियो के ज़रिए सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। अगर यहाँ पे ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा है तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको मोर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है, और दोस्तों यहीं कहीं पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ आ रहा है। सिंपली दोस्तों हमें यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों अभी हम यहाँ पे नेट ऑफ करके रखे हुए, सिंपली हम इसे ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है। सिंपली दोस्तों हमें नीचे में दिए गए सेल्फ ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पे जो भी बैंक अकाउंट होगा वो दोनों आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में देख सकते हैं सेल्फ ट्रांसफ़र सेलेक्ट बैंक अकाउंट टू ट्रांजेक्शन फ्रॉम, यानी कि दोस्तों ये जो ऊपर वाला बैंक अकाउंट आ रहा है यहाँ से पैसे कटेंगे आपको जिस भी बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हो उस बैंक अकाउंट के लिए। तो सिंपली दोस्तों हम ऊपर वाला बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पे सेंड कर रखा है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो। सिंपली दोस्तों जैसे ही जब आपका ये दोनों हो जाए तो उसके बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी पैसे ट्रांसफर करने हो सिंपली दोस्तों आपको उन पैसे को यहाँ पे टाइप कर लेना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मुझे यहाँ पे 3000 रुपये ट्रांसफर करने हैं, तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे 3000 रुपये लिख चुका हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे आप पैसे क्यों ट्रांसफर करना चाहते हो ऐड नोट अगर आप चाहो तो ये भी बता सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक ब्लू डॉट आ रहा है, सिंपली दोस्तों आपको इस वाले आइकन पे एक बार क्लिक कर देना है। और यहाँ पे फिर से इसी वाले आइकन पे आपको एक बार क्लिक करके ट्रांसफर नाउ वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना कर देते हैं तो फिर उसके बाद में आपके मोबाइल पे यूपीआई का एक ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपका यूपीआई पिन रहे आपको वो यूपीआई पिन डाल देना है। तो चलिए दोस्तों हम अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं। आपका जो यूपीआई पिन हो सिंपली आप अपना यूपीआई पिन डाल दें। और दोस्तों यूपीआई पिन डालने के बाद में सिंपली नीचे में दिए गए सेट टिक वाले ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हल्का सा ये वेट लेगा, लोडिंग लेगा, और उसके बाद में आपका जो पैसा रहेगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके दूसरे बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा 3000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है मेरे दूसरे बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हो खुद के बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, खुद का ही जो दूसरा बैंक अकाउंट है उसमें, तो आप कैसे कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।